खेल रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलूंगी। मटरू, तुम और क्रिकेट, ये खेल तो सिर्फ लड़कों का है, लड़कियाँ नहीं खेलती ये खेल। तुम एक काम करो मटरू, चुटकी के साथ लड़कियों वाले कोई खेल खेल लो, जैसे घर घर। बच्चों, तुम्हें पता है घर घर खेलना बहुत ही मजेदार है। जब मैं छोटा था मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलता था। क्या सच में पापा? हाँ चुटकी बेटा। हमें और भी बताइए ना अभी चाचा। कभी कभी मेरे दादाजी और बहन मेरे साथ खेलते थे, हम घास पत्ते लेते थे और कभी कभी किचन का सामान लेकर भी खेलते थे। अरे वाह रोमांटिक, क्या आपको भी पापा की तरह घर घर खेलना पसंद था? घर घर तो पसंद था खेलना, पर उससे ज्यादा क्रिकेट खेलना पसंद था। सच में रोमांटिक, आपको क्रिकेट खेलना पसंद था? हाँ गप्पी, छुट्टियों के दिनों में मैं और मेरे दोस्त दिन भर क्रिकेट खेलते थे। बच्चों, और क्या तुम्हें पता है, मटरू के पास जो बल्ला है वो मुझे मेरे दादाजी ने बचपन में तोहफे में दिया था। अरे वाह! तो बच्चों, इससे आप सभी को क्या समझ आया? यही है चाचा कि कोई भी खेल लड़कों या लड़कियों का नहीं होता है। जैसे रोमांटिक क्रिकेट खेलती थी वैसे ही मैं और मटरू भी क्रिकेट खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसी तरह गप्पी और टिंकू घर घर खेल सकते हैं। चलो दोस्तों मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। बच्चों चलो हम भी आप लोगों के साथ खेलेंगे। मैं बल्लेबाजी करूंगी। और मैं भी, मैं गेंद फेंकूंगा। चलो फिर मैं विकेट कीपर बन जाता हूँ। ठीक है, फिर रोमा आंटी और मैं फील्डिंग करेंगे। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसे खेल खेले जो आप आमतौर पर नहीं खेलते या जिन्हें खेलने में आपको झिझक होती है, यानी मैं ये खेल खेल पाऊंगा या नहीं, या मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं आदि? आपने ऐसे खेलों में कैसे हिस्सा लिया और उन्हें खेलने के लिए आपको किसने और कैसे प्रोत्साहित किया? इस बारे में सोचें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी बताएं। याद रहे बच्चों, खेल चाहे जो भी हो, यदि आपको वह खेल खेलना पसंद है तो आप बिना किसी झिझक के वह खेल खेल सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।